थोड़ा सा और लोग जुड़ जाएं। कौन? संदीप भाई, रुपेश, थोड़ा सा और लोग जुड़ जाएं तो फिर बात करें। संदीप भाई जुड़े हैं, संदीप भाई जाइएगा मत। जो भी लोग देख रहे हैं सब लोगों को नमस्कार है, थोड़ा सा वेट कर लें प्लीज। जो भी लोग देख रहे हैं एक बार जरा शेयर कर दें। पेट पेट देखिए खाना भी बन रहा है और लाइव पे भी हैं, इसलिए दोनों काम एक साथ। संदीप भाई आवा। शिल्पी मिश्रा जी, डीएस दास जी, डीएस दास भाई नमस्कार सब लोगों को। शिल्पी मिश्रा हाय। संदीप यादव जी थैंक यू सो मच आपको जुड़ने के लिए। पिंटू सिंह यादव जी, रिमझिम न्यूज से हमारे पिंटू भाई जुड़े हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोगों से निवेदन है कि एक एक बार लाइव को शेयर कर दें। आज बड़े दिन बाद लाइव आए हैं ओम प्रकाश यादव जी, जसवीर खरवार जी, जेके भाई, शुभम तिवारी जी हमारे भाई, बहुत ही अच्छे कंपोजर और बहुत ही अच्छे नेचर के शुभम भाई, अभी वो भी देख रहे हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, हाँ होगा जरूर। रवि यादव जी, रवि भाई कैसे हैं? बड़े अरसे हो गए मुलाकात नहीं हुई। नवीन भाई, जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोगों से निवेदन है कि एक एक बार इसको शेयर कर दें प्लीज। आप लोगों से आग्रह बा, रिक्वेस्ट बा, कुछ विशेष आज बात हुई सब लोग के साथ कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे बिन घुंघरू के, कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। जी हाँ, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी तमाम दर्शकों को, सबके के गोर छू के गोर लगता नहीं है। जितना भी लोग देखा था हम लोग सब लोग पहचान रहे हो कि नहीं? अरे प्रभु कैसे ना पहचानेंगे। रवि भाई आपको नहीं पहचानेंगे तो किसको पहचानेंगे बताइए। कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। प्रिया राय जी वेलकम है आपका, अश्विनी पांडे जी वेलकम है, खतरनाक अहिर भक्त के साड़ी वेलकम है। सब लोग जरा एक एक बार शेयर कर दें भाई प्लीज। प्रिया जी शेयर कर दीजिए, खतरनाक अहिर भक्त शेयर कर दीजिए, श्याम राय बाली जी प्लीज आप लोग शेयर कर दीजिए एक एक बार। सब लोग से रिक्वेस्ट बा, निवेदन बा, हार्दिक शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे बिन घुंघरू के, अब बांध घुंघरू। अरे अरे गुरु, चलिए आप सब जितने भी लोग हैं, आराधना सिंह हैं वेलकम, आराधना सिंह जी आपको, गुंजन भाई हमारे, गुंजन भाई घुंघरू बांध, जो गाना आप लोग आज टीजर सुने हैं सारे गामा से, उस गाने के डायरेक्टर हैं गुंजन भाई, हमारे साथ जुड़े हैं। आप सब अब क्या इंतजार कराना, अब सीधा आते हैं हम लोग मैटर पे। आज सुबह सुबह हमारे एगो गाना के टीजर लॉन्च भइल बा सारे गामा हम भोजपुरी से, जना गाना के नाम बा घुंघरू, पग घुंघरू बांध। जी हाँ, पग घुंघरू बांध से ही आप लोग के एकदम स्पष्ट हो गई लोई कि बहुत बड़ा गाना एक बॉलीवुड का जो अमिताभ बच्चन जी पे फिल्माया गया था, पग घुंघरू बांध मीरा नाचेगी के रीमेक वर्जन है, और बहुत ही बड़ा, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लिए भी बड़ी बात है कि हम लोग जैसे बॉलीवुड में रीमेक का आज ट्रेड चला है वैसे हम लोग भी ट्रेड कर रहे हैं और हम लोग भी रीमेक कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या बना रहे हैं बड़े भैया? हमारा फेवरेट खाना है दाल भात भुजिया, आज वही बनाओ तनी, आज फ्री होके। अब तक टेंशन रहे गाना रिलीज किया, आज गाना टीजर लॉन्च भइल था, आज बड़ा दिन बाद घरे आज बानी या मतलब दाल भात भुजिया बनाता।
वो गाना जो आज बड़े दिनों बाद आज टीजर लॉन्च हुआ है, 20 तारीख को पूरा वीडियो लॉन्च हो रहा है सारेगामा हम भोजपुरी से, जिस गाने को गाए हैं हमारे इंडस्ट्रीज के और हमारे इंडिया के नंबर वन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी, साथ में शिल्पी राज जी हैं और म्यूजिक दिए हैं जयदीप वर्मा जेडी जी, लिरिक्स मेरा है और प्रेजेंटिंग बाय सारेगामा हम भोजपुरी, वीडियो डायरेक्टर गुंजन भाई एंड सारेगामा टीम, बद्रीनाथ जी, बद्रीनाथ झा जी, संजय चौरसिया भैया और एडिटर हमारे निंजा भाई, रोहन भाई और पोस्ट प्रोडक्शन आनंद कुमार संतू जी हमारे साथ लाइव में बने हैं, वेलकम है चंदा पांडे जी आपका, आनंद कुमार संतू जी पोस्ट प्रोडक्शन जी, हाँ वही टीम है जो टीम थी। हो जय जय शिव शंकर, काटा लागे न कंकर की प्याला तेरे नाम का पिया, मैं गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी जो तूने मुझे थाम न लिया हो पिया। ये वही टीम है द वीडियो टीम जिन्होंने इस वीडियो को किया था, और जो भी लोग देख रहे हैं सब लोग एक एक बार शेयर कर दें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नहीं गुड आफ्टरनून हो गया है चंदा जी, आप लगता है लेट सो के उठे हैं। हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त और कैमरामैन धर्मेंद्र विश्वकर्मा जी मेरे साथ बने हैं, क्या बना रहे हैं। हरीश की, रोहित जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जयप्रकाश यादव जी थैंक यू सो मच, जो भी लोग जुड़ रहे हैं सब लोगों को दिल से धन्यवाद है, वाह क्या बात है, थैंक यू सो मच। हमको भी खिलाइए, एकदम आपको भी खिलाएंगे दाल चावल आलू का भुजिया। संदीप भाई कहाँ गए, चले गए क्या। की पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, और हम नाचे बिन घुंघरू के, की पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी। फाइनली आज 8 महीने बाद ये गाना आउट हुआ है, टीजर आउट हुआ है, आज 20 तारीख को पूरा फुल गाना रिलीज हो रहा है। कौन कौन लोग इस गाने को सुने हैं जरा कमेंट करके बताइए। चंदा पांडे जी थैंक यू सो मच, चंदा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं, काफी सारे हिट गाने में इन्होंने काम किया है और बहुत सारे हिट गाने दिए हैं और बहुत ही बेहतरीन अदाकारा हैं चंदा जी। अभी हम लोग साथ में बहुत जल्द काम करने वाले हैं, पिछले साल हमारे देवी गीत छठ गीत में इन्होंने काम किया था पिछले साल, जो मंदरा म्यूजिक से आया था, और भी काफी सारे गाने अभी करने हैं इनके साथ, तो आप सब लोग इनको भी सपोर्ट करिए चंदा पांडे जी को। अभी हमारे साथ बनी है चंदा पांडे जी। जयप्रकाश यादव जी थैंक यू सो मच, भोजपुरी के पहले हो आप जो हिंदी सॉन्ग भोजपुरी वर्जन सॉन्ग बना देते हैं, जलवा बरकरार रहे। हमारे जसवीर करवार जी थैंक यू सो मच जसवीर भाई, और इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है, हमेशा आपका प्यार मिलता रहता। अमर उपाध्याय जी बहुत ही अच्छे सिंगर, हमारे प्यारे भाई अमर जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमर जी कैसे हैं आप। मेरे लिए आज बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही बड़ा दिन है कि इतना बड़ा गाना, सबसे बड़ा डिफिकल्ट होता है, अब हम लोग आए चर्चे मुद्दे पे, सबसे बड़ा डिफिकल्ट होता है गाना बनाना तब जब आप किसी बड़े गाने को उठाते हैं। ये पग घुंघरू एक ऐतिहासिक गाना, एक हिस्टोरिक सॉन्ग इन बॉलीवुड, सो हम लोगों ने ये बहुत बड़ी चुनौती अपने में लिया, ऊपर से हमारे सारे लेजेंड लोगों ने, किशोर कुमार जी से लेके और अमिताभ बच्चन जी, सारे लोग लेजेंड इस गाने को, इतना बड़ा पावरफुल गाना, इतना बड़ा फेमस गाना को छूना मतलब बिजली के तार को छूने के बराबर है। अगर थोड़ा भी मिसमैच होता है, थोड़ा भी मिसबैलेंस होता है गाना, तो लोग जान मार देते हैं कि भाई इतना फेमस गाना है। सो डेट कि हम लोगों ने कोशिश किया, आग से खेलने की कोशिश की और खेला, और फाइनली आउटपुट जो है वो बहुत अच्छा आ रहा है। अब तक 2 घंटे में 1 लाख से ऊपर टीजर लोगों ने देख चुका है, पहली बार कोई टीजर इतना ज्यादा हाई स्पीड में चल रहा है। फाइनली हम लोग जब ये गाना सावन में शूट किया था हम लोगों ने बनारस में, जब ये गाना हम लोग सावन में शूट कर रहे थे बनारस में, तो शूटिंग का माहौल अलग था, पूरा लोग क्रेजी हुए पड़े थे इस गाने में, इतना क्रेजी। मैंने पहली बार, मैं खुद सेट पे था, पहली बार देखा, बहुत ही अच्छी अदाकारा श्वेता महाड़ा जी इसमें काम किए, हमारे लक्की भाई कोरियोग्राफर लक्की विश्वकर्मा जी एंड उनकी टीम, सब लोगों ने इतना बेहतरीन बनाया है कि मैं बहुत बड़ा लक्की हूं, भाग्यशाली हूं कि
मतलब मुझे ऐसे टीम मिले कि मेरे शब्दों को जिन्होंने बहुत बेहतरीन गाया, सवारा, म्यूजिक दिया, मेरे गानों को बहुत अच्छा कोरियोग्राफ किया। थैंक यू लकी विश्वकर्मा जी, थैंक्स सारेगामा टीम, बद्री भैया, संजय भैया, ऑल सारेगामा टीम, गुंजन भाई जिन्होंने इतने अच्छे कॉन्सेप्ट बनाए, जिन्होंने इतना अच्छा शूट करवाया, थैंक यू सो मच महेश अन्ना जी जिन्होंने वीडियोग्राफी किया इतना अच्छा उसको, निंजा भाई जिन्होंने बहुत अच्छा एडिट किया इस गाने को, निंजा भाई, रोहन भाई, और थैंक यू सो मच ऑल टीम, आकाश मेरा भाई, आकाश विश्वकर्मा जी, आकाश बहुत मेहनत किया है, प्यारा भाई मेरा है, बहुत अच्छा कोरियोग्राफर है, और थैंक यू सो मच आकाश, आप सबको लकी भाई टीम को तहे दिल से धन्यवाद कि इतना बेहतरीन गाना, इतना अच्छा कोरियोग्राफ करने के लिए, इतना अच्छा महसना जी शूट करने के लिए, गुंजन भाई इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, और थैंक्स सबसे बड़ा थैंक्स सारेगामा टीम, बद्रीनाथ भैया, संजय भैया, जो मुझे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया इस गाने को बनाने के लिए उन्होंने, थैंक यू जयदीप भाई, जेडी जी जिन्होंने इतना अच्छा म्यूजिक बनाया, पीयूष भाई जिन्होंने इतना अच्छा कंपोजिशन बनाया, और मतलब जो मैंने लिखा मेरे शब्दों को मुकम्मल करने के लिए, इन सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने मेरे एक एक कागज पे कलम से लिखे हुए शब्द को इतना बड़ा मुकम्मल बनाया, आज आई कैंट बिलीव कि मुझे खुद नहीं बिलीव हो रहा है। जब कोई आपके लिए बहुत बड़ा बिग प्रोजेक्ट होता है, मुझे लगता है कि लाइक दैट कि जय शिवशंकर, उससे पहले मैंने काफी सारे गाने किए, लेकिन जो खुशी मुझे मिली जय शिवशंकर गाने के बाद, और बैक टू बैक अभी आने वाले दो महीनों में खेसारी जी के साथ पांच गाने रिलीज है, पांचों रीमेक हैं, सारे गामा से पांचों गाने रीमेक हैं, मतलब इतने बड़े बड़े गाने अपॉर्चुनिटी, मतलब मैं जितना भी थैंक्स कहूं सारे गामा टीम को, वो मेरे लिए काफी कम है, कम होगा कि मैं शुक्रिया अदा किस शब्दों में करूं सारे गामा टीम को। हाय भैया कैसे हैं, हम अच्छे हैं बाबू, आकाश जरा लाइक कर दो, माही श्रीवास्तव जी वेलकम है आपका। सो फाइनली ये जो गाना बना तो हम लोगों को इतना भरोसा नहीं था कि हाँ गाना बहुत बड़ा हिट है, गाने बहुत बड़े हिट होंगे, फाइनली हम लोग पे भरोसा था, लेकिन सूरज की इतना ज्यादा लोगों ने प्यार दिया, आज पहली बार कोई टीजर इतना ज्यादा स्पीड चल रहा है, फाइनली हम लोग जय शिवशंकर जब शूट कर रहे थे, जय शिवशंकर गाना जब रिलीज हुआ, इतना प्यार मिला कि आप सब लोग मुझसे डायरेक्टली सब लोग जुड़े, इतना ज्यादा जुड़े कि आज मैं मतलब एक बहुत बड़ा कर्जदार हूं आप सभी का, और दिल से धन्यवाद कि ऐसे ही प्यार आप सब लोग हमेशा देते रहें। कावर भजन के बाद से जो चीजें हुई, जो चीजें बन रही हैं, जो एक साहस आया, हर कोई टूट चुका था इन दो सालों में, सभी लोग इवन जो भी हो सब लोग टूट चुके थे, लेकिन उसके बाद भी मुझे भी खरा होने में आप सब लोगों ने इतना सपोर्ट किया, मेरे गाने को इतना प्यार दिया, ताकि हमें फिर से एक जुनून सी जगी कि मुझे काम करना है। अभी हमारे बॉलीवुड के भी बड़े बड़े गाने आ रहे हैं, उसके बारे में भी चर्चा होगी, नवंबर में मेरा एक बहुत बड़ा गाना रिलीज है, अभी सैड सॉन्ग है, हो सकता है अभी पराग भी सिंगर हो सके उसमें। सो फाइनली बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, सारे गमा से कंटिन्यू आ रहा है, मेरे लिए एक बहुत बड़ी मतलब एक हाउस है सारे गमा, जो मेरे लिए बहुत लकी साबित हुआ, और सब लोगों ने काफी प्यार दिया और प्यार दे रहे हैं, आप सब भी प्यार दे रहे हैं, मैं कंटिन्यू बना हूं, तो मैं चाहता हूं कि सब लोग ऐसे ही प्यार देते रहें, मैं ऐसे ही बना रहा हूं, आप सब लोगों के उम्मीद पे खरा उतरता रहूं, और ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन गाने करके आप लोगों के बीच लाता रहूं। तो फाइनली फुल वीडियो देखने के लिए आप सब लोग 20 तारीख को सुबह आप सब सारेगामा हम भोजपुरी में देख सकते हैं पूरा फुल वीडियो। टीजर देख के तो आप लोग को लग गया होगा कि कितना लेवल का गाना है और कितना बड़ा गाना होने वाला है, इसका तो अंदाजा ही नहीं है किसी को मतलब कि कितना बड़ा गाना होने वाला है, लेकिन फाइनली विजयदशमी को विजय हो गया कीपक घुंघरू बांध आ गया हमारे भोजपुरी में, अच्छा सॉन्ग। आप थैंक यू सो मच आपको माही श्रीवास्तव जी, आकाश, जसवीर जी, ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, महादेव की कृपा है। प्रीति जी हाय वेलकम, रणवीर हाय, आकाश हाय, अरे यार कहाँ चला गया, वाह कवि जी थैंक यू सो मच, शिल्पी जी, ओ शिट, अभी मैं कुछ लोगों को ऐड करूंगा इसमें अपने साथ, चंदा जी आपको मैं ऐड करूंगा, दो मिनट में आपको ऐड करता हूं अपने साथ, सो आप लाइन पे बने रहिएगा। गुंजन भाई को भी मैं ऐड करूंगा अभी,
लिखने के साथ साथ गाते भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। भोजपुरी के पहले हो आप जिन्होंने, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गनवा सुनावा भाई महादेव खेसारी भाई के, मन में जोगिया के जोग जगा के, हज नाचेंगे चीलम चढ़ा के, घूमता माथा लगे होई तमाशा ठीक कहिला न भंगिया खिया के, कि देह घूमता हमरो भयंकर हो जय जय शिव शंकर, काटा लागे न कंकर की प्याला तेरे नाम का पिया, मैं गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी जो तूने मुझे थाम न लिया हो पिया। ये जय जय शिव शंकर का गाना है, स्पेशल डिमांड हमारे अश्विनी जी का था। कुंजन भाई मैं अभी आपको लाइन पे लूंगा। बवाल कैला भैया, अमर सिंह अमित जी थैंक यू सो मच, राकेश कुमार सिंह जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हो हो मन में जोगिया के जोग जगह के, आज नाचेंगे माथा लगे हुई कि पग घुंघरू बांध, मीरा नाची थी और हम नाचे बिन घुंघरू के, कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पिंटू भाई। प्रणाम भैया, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आप जितने भी लोग देख रहे हैं, ये हमारे पिंटू भाई हैं, पिंटू सिंह जी, पिंटू सिंह यादव जी, रिमझिम न्यूज के ऑनर पत्रकार संवाददाता, ये सब यही हैं। पहले तो मैं आपको एक चीज दिखा दूं पहले आपको। जी एकदम, मेरा सौभाग्य है। इट्स माय प्लेजर। देखिए ट्रेंडिंग नहीं नहीं मतलब ये हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर चल रहा है। कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। वाह, ये ग्रीन में क्या लिखा है पिंटू भाई? ये अभी ये हैशटैग दिया हुआ है ना, ये हैशटैग दिया हुआ है, अभी आएगा आएगा, टेंशन मत लीजिए, आएगा जरूर आएगा। नहीं, 1,26,000 ज्यादा हो गया वैसे। हाँ, रियल अपडेटिंग अपडेट अपडेट जो है इसमें बलम एक रील बना लेना जलवा धारे के बरिया। आपने आज न्यूज़ बहुत अच्छा है, मैंने तभी देखा, ये उसमें आपने सेल्फी बोल दिया है। हमारे जो भी गाने रिलीज होते हैं सबसे पहला अपडेट न्यूज का पिंटू भाई करते हैं अपने चैनल से, रिमझिम भोजपुरी से। तो जितने भी लोग देख रहे हैं रिमझिम न्यूज को, सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरा अब मीडिया पार्टनर हो चुका है रिमझिम न्यूज, और मैं ब्रांड एम्बेसडर हो चुका हूँ रिमझिम न्यूज का। रिमझिम भोजपुरी भोजपुरी, हाँ पहले पहले भोजपुरी बाद में रिमझिम है, खैर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सर्च में आ जाएगा, कोई बात नहीं, वो सब लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, वैसे ही आधा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर चुके होंगे भोजपुरी रिमझिम को। और ये जो आपका अभी टीजर लॉन्च हुआ है पग घुंघरू बांध का, वो अभी जस्ट मैं देख रहा था, काफी ज्यादा मतलब कमाल का। इसमें मुझे मतलब मैं चीजों को देखता हूँ तो थोड़ा सा बारीकी से देखता हूँ, तो ये जो है पूरा का पूरा, इसमें आपको अगर कोरियोग्राफी की बात की जाए, डांसर्स की बात की जाए, बैकग्राउंड डांसर्स की बात की जाए, लाइटिंग्स की बात की जाए, तो मैं पूरा एकदम कंसंट्रेट करके चीजों को देखता हूँ, तो एकदम परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट, तो आई थिंक दिस सॉन्ग विल बी ब्लॉकबस्टर इन भोजपुरी इंडस्ट्री। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस का प्यार मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है, इट्स माय प्लेजर, और कोशिश करता हूँ कि कुछ अच्छा करूँ। और इसमें हमारे सभी टीम, इसमें जितने भी टीम हमसे जुड़े हैं, सब लोगों ने काफी मेहनत किया इसमें, मेरे एक शब्द को इतना बड़ा मुकम्मल बनाने में पूरी टीम का बहुत बड़ा योगदान है,
और थैंक यू सो मच, 1,000 नहीं, एक पूरे इन्फिनिटी इन द वर्ल्ड की जितना भी तारीफ करूं कम है, सारे गामा हम भोजपुरी को जिन्होंने इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मुझे दिया कि ये गाना बनाने के लिए। और इसके बाद भी 4-5 गाने रीमेक आ रहे हैं, सारे बड़े बड़े गाने का सब गाना मैंने किया और बहुत सब लोगों ने सपोर्ट किया मुझे, नहीं नहीं एंड सारे सारे गामा, सारे गाने। काम, सारे गामा कंपनी का काम तो काफी ज्यादा मतलब परफेक्ट हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कई सारे गाने आपके जैसे जय जय शिव शंकर एकदम पूरा तबाही मचा दिया था। अभी एक गाना ऐसा आ रहा है सारे गमा से मेरा ही, कि जिस दिन वो रिलीज होगा इंडिया में उस दिन यूट्यूब हैंग होने वाला है। पूरे इंडिया में यूट्यूब हैंग होगा, इतना बड़ा गाना है, नहीं मतलब नहीं हम सब सपने में भी नहीं 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 सोच सकते थे कि हम इतने बड़े गाने का हिस्सा बनेंगे। चलिए शुभकामनाएं उसके लिए। और ये सब भी हैंग करेगा, टेंशन मत लीजिए, एक तो ऑलरेडी हैंग करा चुके हैं, ये भी हैंग होने को आ गया है। बस ऐसे ही आप सबका प्यार मिलता रहे, जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोगों का प्यार मिलता रहे, आपका बहुत सपोर्ट मिलता है, आपका हमेशा हर एक अपडेट आता है न्यूज़ का, वो मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है। बहुत जल्द दिल्ली आ रहा हूँ, हो सकता है 2 से 3 दिन में आऊंगा, अभी प्लानिंग अब फिक्स हो चुका है, अब लाइव इंटरव्यू करेंगे हम लोग शूट जरूर, पे सेट पे, एकदम 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 धमाके एकदम धमाकेदार, धमाकेदार मसाला देंगे आपको। एक्सक्लूसिव एंड ब्रेकिंग न्यूज। और लग रहा है कि मुझे कि अगर 2-3 आप कह रहे हैं तो अभी 20 तारीख को ये गाना रिलीज होने वाला है, उससे पहले ही लग बीस रहा है तारीख कि को एक हैंग करने वाला, लग रहा है कि उससे पहले ही हैंग करने वाला इंटरव्यू आ जाएगा। एकदम 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 पक्का। चलिए, और सब बाकी बढ़िया पिंटू भाई। चलिए ऑल दी बेस्ट इस गाने के लिए, मैं और आप किसी और से भी बात कीजिए, सारे फैंस आपको, आपसे बात करना चाहते हैं, बस तो मैं आपको फोन करता ठीक हूँ, लाइव हैंड होते ही फोन करता हूँ, है, ठीक, ठीक है? हाँ, एक फोन ओके ओके, करता थैंक हूँ। यू, ओके ओके, नमस्कार। थैंक यू एंड ऑल। ये थे हमारे साथ पिंटू सिंह यादव जी, भोजपुरी रिमझिम न्यूज़ के संचालक, ऑनर सत्या तिवारी जी, वेलकम है आपका। बहुत ही अच्छा न्यूज़ चैनल है भोजपुरी रिमझिम, आप सब लोग विजिट करिए उस चैनल को और सब्सक्राइब करिए, मेरे सारे न्यू अपडेट उस चैनल पे आता है और सबसे पहले आता है और सबसे तेज आता है और सच्ची खबर। तो रितेश पांडे जी के साथ सैड सॉन्ग लाइए एक दमदार। सिमरन यादव जी वेलकम है आपका, दिल पर दौरा पड़ने से पूर्व भारतीय कप्तान का निधन। आएगा आएगा भाई, सब आएगा। कहाँ हो भैया अभी आप? अभी तो घर पे हूँ। नहीं, पूरा गाना नहीं गाया है, पागल हो तुम? सरफराज आलम जी लव यू भाई, थैंक यू सो मच। नो नहीं, हाँ जी, अभी क्यों कैसे नहीं, हैं आप चंदा जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस बस, वेलकम है आपका मेरे इस ब्रॉड पे, आपका मैंने बहुत सॉन्ग खुश देखा, नजर आ इसका रही हैं टीजर आया आप। था, बहुत प्यारा सॉन्ग है। मैं तो आप अभी इंतजार देख कर रही थी वो रहे सॉन्ग पूरा कब आएगा, 20 तारीख को आएगा, बाप रे, इतना इंतजार करना पड़ेगा। हैं, नहीं थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा ना अच्छी चीजों के लिए। हाँ कोई बात नहीं, हम लोग टीजर देख देख के अपने मन को तसल्ली कर लेंगे कि 20 तारीख को ऑलरेडी आप हो गया। अभी सब क्या लोग कर को सकते बताना हैं। चाहता हूँ मुझे कि क्या जो लगा, अभी मेरे आपने मेरे को साथ, लिंक भेज, आपने मेरे को अभी लिंक भेजा ना व्हाट्सएप पे, तो मुझे लगा पूरा गाना आ गया, मैं सो के उठ के फटाक से खोल रही हूँ, देखी तो इधर भी टीजर ही आया है। मेरे साथ अभी बनी हैं चंदा पांडे जी, जो बहुत ही अच्छी अदाकारा हैं, बहुत ही अच्छी जी, आप सब लोग को मॉडल मेरी हैं, तरफ से मतलब नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय माता दी। और हम लोग काफी अच्छे फ्रेंड भी हैं, और अजीत जी बहुत अच्छे राइटर हैं। मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगता है कि हमारे भोजपुरी में एक राइटर ऐसे हैं कि जो मतलब बलगर से उनका कोई लेना देना ही नहीं है, दूर दूर तक।
बलगन सॉन्ग तो वो कभी लिखते ही नहीं है, मैंने कभी सुना ही नहीं है। और बहुत अच्छे चंदा अच्छे पांडे सॉन्ग जी आप लाते हैं टिकटॉक, यूट्यूब का। सत्या जी बोल रहे हैं कि टिकटॉक स्टार टिकटॉक पे देखा। जी हाँ, टिकटॉक पे बहुत फेमस थी चंदा जी, जी और टिकटॉक के जरिए हम लोग मिले थे। उसके बाद हमने काम भी किया साथ में, और जी जी हम लोग अभी एक अच्छे फ्रेंड भी हैं। शुभम राज एसबीआर और साहब हमारे बहुत साथ अच्छे बने फ्रेंड हैं। भी हैं, और अजीत जी हैं, तो मतलब ऐसे बहुत सपोर्टेड बंदे होते हैं ना, कि बहुत सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। या पहली बात, इनके अंदर ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। देखिए, आपकी तारीफ करें, रोकिएगा मत, आज मैं खुल के तारीफ करूंगी। नहीं यार, तारीफ क्या करेंगे, तारीफ लायक नहीं है। नहीं, जो ये तारीफ के लड़की झूठ लायक है बोल रही उसकी है, आप लोग तारीफ इसकी करनी बात को मत चाहिए, ये मानिएगा। मौका अच्छा है। अभी मैं अकेले में आपकी तारीफ करके कुछ नहीं मिलने वाला है, जो बात है जी वो फैक्ट है, पब्लिक के सामने रखना चाहिए। तो ये मतलब एक्चुअली गर्ल्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है। और राइटर तो सच में बहुत औसम है, और गाते भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है, ये जो गाने लिखते हैं उसे गाते भी बहुत प्यारा है, और बहुत मेहनत करते हैं अजीत जी। कोई भी सॉन्ग को मतलब लिखने में वो पूरा दिल से एकदम पूरा मेहनत लगा देते हैं, कि नहीं मतलब एकदम अच्छे से करना है सारी चीजें, छोटी छोटी चीजों का बहुत ख्याल रखते हैं। तो बस मैं यही चाहूंगी कि आपके लिखे हुए सॉन्ग पर मैं भी काम करूं, ये मेरा जी नसीब एकदम, होगा। अभी बहुत बहुत जल्द हम लोग काम करने वाले हैं, और बहुत बड़ा गाना होगा वो। जी मैं बिल्कुल, मतलब क्योंकि प्लानिंग कर रहा भोजपुरी हूँ में कि कुछ हम नया, मतलब भोजपुरी में कुछ नया हो, जैसे कि बलगर से कोई बलगर सॉन्ग जो होते हैं आजकल के, क्या रहता है उसमें, कुछ नहीं, मेरे को तो कोई इंटरेस्ट नहीं। ऐसा नहीं, मैंने भी बहुत काम किया, उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए, बट होता है ना कि कुछ नया करने का अगर है तो अजीत जी के साथ करो, ये बहुत भोजपुरी तारीफ में अगर करती है कुछ इसकी। नया। इतना ज्यादा मैं कुछ हूं नहीं, जैसे भी फोन पे बड़ी नहीं तारीफ करती है। रीजन नहीं ये नहीं है ना तारीफ कि की बात, एक ये बात खुद इतनी बताइए, अच्छी तारीफ है, की ये आप। खुद इतनी अच्छी है कि अच्छे लोगों को हमेशा ना बुराइयां भी अच्छी लगने लगती हैं। तो ये खुद इतनी अच्छी है कि जमाने इनको नहीं इतने अच्छे लगते हैं, सब लोग इनको अच्छे लगते हैं। तो उतना नहीं ज्यादा हूं मेरे नहीं, लिए मैं सबसे कोशिश अच्छा, करता हूँ। लेकिन मैं अजीत तो जी जो गलत होता है ना, मैं उसे गलत बोल देती हूँ, मैं वैसी ही लड़की हूँ, मैं डरती किसी से नहीं हूँ। शेषनाथ भाई बोल रहे हैं कि आप भी बहुत सुंदर गाती हैं। आकाश अजीत भैया सुपर सपोर्ट सबका करते हैं, थैंक यू सो मच। सत्या जी गुरु थैंक यू सो मच। कैलाश जी, जितेंद्र जी, ऑफिस पे मैं शुभम गाती नहीं भाई, हूँ, मैं ओसम राइटर, बहुत ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं ये शुभम राज जी जी। शुभम राज एसबीआर जी हमारे साथ जुड़े हैं। इन्होंने हाँ जी बहुत अच्छा नमस्ते। म्यूजिक बनाया है। जय जय शिव शंकर, काटा लागे ना कंकर की प्याला तेरे नाम का पिया। इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर हमारे भाई शुभम राजेश बिहार जी लिख रहे हैं। जी भैया ओसम, आप हमसे भी ज्यादा ओसम है, जी इतने अच्छे अच्छे म्यूजिक बनाए। हम बाबू तनी बहरिया ना, ये गाने का म्यूजिक बनाए हैं। और अभी जो भी गाने आ रहे हैं, हम दोनों भाई का गाना एकदम साथ में आ रहा है, सारे गमा से बड़े बड़े गाने आ रहे हैं। बिल्कुल, अभी बड़े अभी बड़े मतलब गाने आग पे आप लगाएंगे अभी। हम लोग को भी मौका दीजिए, हम लोग भी काम करेंगे आप लोग के अच्छे अच्छे सॉन्ग में, नहीं नहीं एकदम और आप एकदम, पहले अभी आइए तो करेंगे जरूर बताइएगा। हम लोग काम करेंगे। अभी बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे और बहुत बड़ा गाना करेंगे। मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। और अभी बीच में ही मैंने आपको कई बार फोन ट्राई किया, मेरा दो गाना शूट हो रहा था पिछले हफ्ते, और बहुत बड़ा गाना शूट हो रहा था, मैंगो मैन, उसमें एक्ट किया है, और बहुत बड़ा सैड सॉन्ग है। तो हाँ, मैंगो मैन भी काफी अच्छा लड़का, हम लोग मिले थे सब लोग एक बार मैंने पटना कई, में। गुंजन भाई है नहीं लाइन पे, मैंने कई बार ट्राई किया आपका फोन, बहुत फोन ट्राई किया आपका फोन लगा नहीं, और जब आपका मैसेज आया एक्चुअली तब मैं तक मेरा फोन काम हो थोड़ा, चुका था। हाँ मुझे पता है, आप बताए थे मुझे, तो थोड़ा सा मेरे वैसे मिस्टेक हो गया, मेरा फोन खराब हो गया, उसके लिए मैं, पता नहीं भगवान का शायद नहीं मन था कि मैं काम करूं, बट नेक्स्ट टाइम भगवान का मन नहीं 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 कोई भी होगा बात फिर नहीं, भी करूंगी। मतलब उससे भी बड़ा और उससे भी अच्छा होगा काम करने का। तो उसके लिए हाँ कोई ये नहीं है कि हम नहीं किए काम, तो जिंदगी है, बहुत अभी उतार चढ़ाव बाकी है, ठीक होता ना। रहेगा, सही बात। तो अभी अभी सिर्फ यही बोलने का है, जय जय बस शिव आपका, मैं सब शंकर। आपका, जितने लोग भी देख रहे हैं ये आपका लाइव में जुड़े हैं, उन लोगों से मेरा दिल से बोल रही हूँ मैं आप सब लोग को, कि पुनीत आप सब भाई लोग से, आपका मैसेज आया था, मैं एकदम बिल्कुल, आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज करिए, वहां बात करते हैं। हमारा, अरे हमारा काम ही है गाना लिखना, तो गाना काहे नहीं लिखेंगे आपके लिए भाई।
आप मुझे मैसेज करिए इनबॉक्स में, हम लोग वहां बात करते लाइव के बाद। जी क्या कुछ कह रहे थे आप हाँ, तो चंदा मैं आप जी? सब लोग जी मैं आप सब लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे जी जी का बहुत ही प्यारा सॉन्ग जो भी टीजर रिलीज हुआ है, तो आप सब लोग 20 तारीख का इंतजार करिए। ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए इनके सॉन्ग को, क्योंकि हमें इनके सॉन्ग को हम लोगों को बॉलीवुड को टक्कर देना है। तो थैंक यू सो इसके मच लिए आपका आप इतना सब लोग सपोर्ट। दिल से सपोर्ट करिए कि हमारे भोजपुरी में कुछ नया हो रहा है और कुछ इसी तरह अच्छे अच्छे सॉन्ग आए हाँ और बलगर सॉन्गों का नामो निशान मिट जाए जब और सब मिलो लोग इस अगले तुम जब तरह। मिलो। चलिए आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद अजी जी के लाइव में जुड़ने के लिए, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद देने के लिए। थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच अजी चंदा जी जी, आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बिल्कुल। और आप सब लोग चंदा जी के भी आईडी पे जाइए और इनको भी प्यार मेरा दीजिए, इंस्टा सपोर्ट आईडी है, करिए। आप सब लोग मुझे फॉलो करिए मेरे इंस्टा आईडी पे, अगर आप लोग इंस्टा पे इसका तो यूज क्यों ना करना फॉलो बहुत। करी, सबसे पहली बात तो इंस्टा पे लड़की मुझे फॉलो नहीं की है, तो कोई नहीं फॉलो करेगा तब तक जब तक ये नहीं लड़की ऐसा मुझे कुछ, फॉलो नहीं करेगी। नहीं ऐसा कुछ भी, मैं अभी कर लेती हूँ, आपकी आईडी ढूंढनी पड़ेगी ना मुझे अभी। तो मतलब मेरी आईडी है ऐसा चंदा पांडे एट ये तो नॉट इज्जत ले एट। ली है मेरी। नहीं मेरे को आईडी ढूंढनी पड़ेगी ना, मैंने आईडी ढूंढा नहीं है, आपका इज्जत लेने का बात नहीं है। अरे तो इसके लिए चंदा पांडे एट माई आईडी और चंदा पांडे एट नॉट स्पेस, तो आप सब लोग मुझे फॉलो करें, उसमें मेरी प्रोफाइल लगी, आप लोग पहचान जाएंगे। और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट्स करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा है। थैंक थैंक यू सो मच आपका इतना बेहतरीन यू, और कीमती टाइम आपने दिया और इतनी तारीफ कर दी मेरी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नहीं आपको। हम तारीफ लोग के फिर लायक मिलते अब हैं। है तो तारीफ किया है मैंने, तारीफ के लिए धन्यवाद मत कहाँ बोलिए। शूट कर रहे हो आकाश कल? आकाश मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे। चलिए चंदा जी थैंक यू ओके सो मच, ओके बाय। बाय, टेक केयर। तो मेरा यही था कि आज जो मेरा टीज़र आया है जय जय शिव शंकर, उसको आप लोग सब लोग देखें और 20 तारीख को पूरा गाना आएगा सारे गामा। हम भोजपुरी पे सब लोग जो प्यार देते हैं देते आए हैं, वैसे ही आप सब लोग प्यार देते रहिए एक छोटे भाई को और आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों ने अपना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।